हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत जीवंत और भरपूर है। इनकी खुशनुमा पहाड़ियों में मौजूद जगहें यहाँ के इतिहास और धरोहर को संपूर्ण बनाते हैं, जिनमें से प्रमुख है कांगड़ा किला। इस किले को हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे मजबूत और चौड़े किले होने का दर्जा हासिल है। शिमला से लगभग 215 किलोमीटर दूर कांगड़ा किला बाणगंगा और पाताल गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। मनुष्य कान के आकार में बने इस किले ने पूरे घाटी को कांगड़ शब्द से कांगड़ा नाम दिया। इसको नगरकोट, भीमकोट और सुसरमापुरा आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इसकी मजबूत किलेबंदी और भवनों की वजह से एक स्थानीय लोक उक्ति प्रचलित थी कि जिसके पास कांगड़ा किला है उसके कब्जे में यहां मौजूद सभी पहाड़ हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसको खजाने का पिटारा भी कहा जाता था, जहां पर कई शासक अपने खजाने किले के भीतर मौजूद मंदिरों में चढ़ावे के तौर पर भेजा करते थे। इस किले से जुड़े कई अनजाने ऐतिहासिक पहलू हैं। आइए आपको इसके सफर पर ले चलते हैं। कांगड़ा किला कटोच साम्राज्य का गढ़ था। इस साम्राज्य का जिक्र हमें मार्कंडेय पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वहीं महाभारत में इनके एक राजा सुसरमा का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि कांगड़ा किले को उसके शुरुआती दौर पर वही लेकर आए थे, जिसके कारण कई तथ्यों में इस किले का नाम सुसरमापुरा मिलता है। कांगड़ा किले पर पहला विदेशी हमला सन 1009 में महमूद गजनी द्वारा हुआ था, जिसने किले के कई निवासियों को मारकर यहां मौजूद खजाने को लूटा। 14वीं शताब्दी के अंत तक हमलों का सिलसिला तब खत्म हुआ जब राजा मेघचंद्र कटोच की सेना ने तैमूर की कोशिश को नाकाम किया। सन 1556 में कांगड़ा किला मुगल सल्तनत के तहत तब आया जब तत्कालीन कटोच राजा धर्मचंद ने तीसरे मुगल बादशाह अकबर के सामने आत्मसमर्पण किया। फिर यह किला अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल की जागीर के तहत आया। मगर 18वीं शताब्दी में जब मुगल सल्तनत का पतन हो रहा था, तब मौके का फायदा उठाकर धर्मचंद के वंशज संसार चंद ने सिख मिसलों में से एक कन्हैया मिसल के साथ मिलकर कांगड़ा किले में कटोच राज का पुनर्गठन किया। इनके शासनकाल के दौरान कटोच साम्राज्य जम्मू तक फैला। ये साम्राज्य प्रशासन, कला और वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में समृद्ध बना। इनकी छाप पहाड़ी शैली के चित्रों में और तीरा सुजानपुर जैसे महलों में आज भी देखी जा सकती है। संसार चंद के शासन को कांगड़ा इतिहास का सुनहरा दौर कहा जाता है। मगर 19वीं शताब्दी के मध्य में जब संसार चंद ने कहलूर के शासक के खिलाफ हमला बोला, तब गुरखाओं के समर्थन से कहलूर शासकों ने न सिर्फ उनको हराया बल्कि कांगड़ा किला गुरखाओं की झोली में आया। वहीं संसार चंद अब पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से मदद की गुहार लगाने गए, जिसके कारण गुरखाओं को खदेड़ने के साथ साथ कांगड़ा किला सिखों के कब्जे में आया और संसार चंद तीरा सुजानपुर में एक जागीर में रहे। यहां भी उन्होंने सन 1823 में अपनी मृत्यु तक कई कलाकारों और चित्रकारों को बहुत प्रोत्साहित किया। सन 1849 में आंगल सिख युद्ध में हारने के बाद सिखों ने कांगड़ा किला अंग्रेजों को दिया और ये उनका गढ़ सन 1857 की क्रांति के बाद भी रहा,
जिस दौरान कई किलों को या तो वीरान छोड़ा गया या फिर ध्वस्त कर दिया गया। मगर 4 अप्रैल सन 1905 को कांगड़ा में आए 7.8 की तीव्रता के एक जोरदार भूकंप ने इसके शहरों कांगड़ा, धर्मशाला और मैक्लियोडगंज में ऐसी भारी तबाही मचाई कि इसके झटके लाहौर तक महसूस किए गए। इसमें करीब 30,000 लोग मारे गए थे और जानमाल को बहुत नुकसान पहुंचा। इस भूकंप ने कांगड़ा किले को भी नहीं बख्शा। जहां पर हुई तबाही ने इसको उसके मूल रूप से काफी छोटा कर दिया, जिसके कारण अंग्रेज भी यहां से चले गए। दुर्भाग्य ये है कि यदि 1905 का भूकंप ना आता तो आज शायद ग्वालियर और कुंभलगढ़ के किलों की तरह कांगड़ा किला भी भारत के सबसे विशाल किलों में गिना जाता। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कटोच साम्राज्य के वंशज आगे चलकर हिमाचल प्रदेश के प्रगति के लिए सक्रिय रहे। आज भी वो किले के भीतर देवी अंबिका और आदिनाथ जैसे देवी देवताओं को पूजने के लिए यहां आते हैं। कांगड़ा किले के पुनर्निर्माण के दौरान संसार चंद और कटोच साम्राज्य के अन्य शासकों की वस्तुएं और उनसे संबंधित कलाकृतियों को जमा करके वर्तमान महाराजा संसार चंद कटोच संग्रहालय में आम जनता के लिए लगवाया गया था, जो किले के ठीक बगल में है। यहां पर लोग कटोच शासकों के शाही इतिहास से जुड़े पहलुओं से रूबरू होते हैं। आज कांगड़ा किला भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है, जिसने सन 2019 में भारत की धरोहर और स्मारकीय संपदा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यहां पर विश्व धरोहर दिवस का आयोजन किया। आज कांगड़ा किला हिमालयी क्षेत्रों के इतिहास के प्रतिनिधित्व के तौर पर कांगड़ा घाटी की शान बढ़ाता है।